हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रीजन्स एंड धर्मशाला की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू हुई है काउंसलिंग शेड्यूल को लेके फॉर द सेशन 23-24 के लिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे एडमिशन के लिए। सो आज हम इस काउंसलिंग शेड्यूल को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो भी डेट्स यहाँ पर बताई गई हैं, आपको इन डेट्स के अकॉर्डिंग सुबह 10 बजे धर्मशाला पहुंचना है। जो आपका ये रीजनल सेंटर है वहाँ पे आपको पहुंचना है, और उसके बाद जो आपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो साथ लेके जाने हैं। सो उसके बाद आपकी वहाँ पे काउंसलिंग होगी। यहाँ पे जो आपकी इंग्लिश एमकॉम की काउंसलिंग आपकी होनी है 7 अगस्त 2023 को। इसके बाद हिस्ट्री एमसीए पीजीडीसीए 8 अगस्त, मैथ इकोनॉमिक संस्कृत 9 अगस्त, एलएलबी जो 3 ईयर कोर्स है पॉलिटिकल साइंस 10 अगस्त, और जियोलॉजी और हिंदी 11 अगस्त को आपकी काउंसलिंग होनी है। तो ये स्पेसिफिक डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। जिस सब्जेक्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया है एडमिशन के लिए, तो उस दिन आप जो है वो 10 बजे आप रीजनल सेंटर धर्मशाला पहुँचेंगे। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए यहाँ पर जो आपके एडमिशन होते हैं वो एचपी के एंट्रांस बेसिस के ऊपर होती है, और मैंने पहले भी वीडियो बनाई है एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए कैसे एडमिशन प्रोसीजर रहता है रीजनल सेंटर धर्मशाला के लिए। तो ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल है रीजनल सेंटर धर्मशाला के लिए, जो आज हमने डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर। इसके बाद जो आपकी एमबीए है उसकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जो अलग से की जाएगी। तो जब भी वो नोटिफिकेशन आती है एमबीए की काउंसलिंग के बारे में, तो मैं आपको वीडियो बना के नोटिफाई कर दूंगा अपने चैनल के ऊपर। तो ये आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।